Only three factors give you 100% success. आपको कामयाब होना है तो आपको सक्सेस होना है तो एक्साइटमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा, जोश के साथ में काम करना पड़ेगा और आपके अपने अपलाइन के बीच में फाइन ट्यूनिंग बेहतर बना के काम करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट की बात करूं तो कितना परसेंट? 90% एक्साइटमेंट आपके अंदर से जोश आना चाहिए, जुनून आना चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए। यस या नो? अगर सामने वाले को प्लान दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उससे आपकी आवाज पीस होनी चाहिए। अगर आप उसके आवाज से अगर डाउन हो गए तो आपको सुनेगा नहीं, आपको सुनेगा नहीं मेरे दोस्त। इसलिए अपने गेस्ट से आवाज आपकी तेज होनी चाहिए, रहेगी एक्साइटमेंट में रहेंगे। सभी को पता है यार, अगर खेत में मवेशी पड़ जाए तो लाठी लेकर के दौड़ेंगे और दूर से ही है कैसे चिल्लाते हैं, एक बार चिल्ला के दिखाओ सभी लोग, एक बार तेजी से और तेज तरीके से निकालते हैं। यस या नो? कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं कि खेत में गाय पड़ी है और 10 बीघा दूर हम हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करते मेरे दोस्त। कितनी तेजी से, जितना जोश होता है, जितना आवाज निकाल सकते हैं उतनी तेजी से हल्ला करते हुए दौड़ करके जाते हैं आवाज निकालने के लिए। इतनी तेज आपके अंदर से एनर्जी निकलना चाहिए। यानी कि आपके बिजनेस के अंदर में क्या बोल रहा है, ओनली थ्री फैक्टर्स गिव्स यू 100% सक्सेस। यही तीन मूल मंत्र है जो आपको कामयाबी तक लेकर जाएगा। पहला 90% एक्साइटमेंट रहेगा। yes. प्लान देंगे तो कैसे देंगे, जोश के साथ देंगे, आवाज निकलेगी। कोई बात नहीं, अगर गलती से भी इम्यूनोडाक बोल दिए कि शुगर पे काम करेगा जबकि शुगर में नहीं दिया जाता है तो बता दिए, तो बता दिए, आगे बढ़ो है या नहीं। जब देने की बारी आएगी तो फिर सीनियर से पूछ करके आप दीजिएगा, क्लियर है? तो एक्साइटमेंट के साथ में आपको प्लान देने की जरूरत है। टेक्निक आपको अपने व्यवसाय के अंदर में टेक्निक लगाना पड़ेगा 8%। टेक्निक लगाना पड़ेगा क्लोजिंग निकालने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसको प्लान देने के लिए तैयार करना पड़ेगा, टेक्निक दोनों लगाना पड़ेगा। यस या नो? यस। कितना परसेंट हो गया? 98। बचा कितना? 2% का बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर करोड़ों रुपए की कार हो, जगुआर और 10 रुपए की हवा ना हो तो कार कभी चल नहीं पाएगा, कार कभी नहीं चल पाएगी मेरे दोस्त। इतनी तो आपके और आपके अप्लाइंस के बीच में और आपके सिस्टम के बीच में फाइन ट्यूनिंग बेहतर होना चाहिए। हो सकता है कभी आप ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट कंपनी से मंगाते हैं, हो सकता है कंपनी तो टाइम पे निकाल दिया, हो सकता है आपका कोरियर में कहीं पे रुक गया हो, फंस गया हो, यस या नो? तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपके पास में आपका डाउनलाइन अगर शिकायत लेकर के आता है तो आप डायरेक्टली कंपनी में संपर्क करके वहां से क्या फीडबैक है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको सर्विस देना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप अपने अप्लाइंस से बातचीत कीजिए, क्लियर है? 2% फाइन ट्यूनिंग आपके बिजनेस के अंदर में कोई अगर कमी आ रही है, कोई आवश्यकता आ रही है तो अपने अप्लाइंस से जरूर बातचीत करते रहेंगे तो आपका वो आवश्यकता पूर्ति होती रहेगी। जब आवश्यकता पूर्ति होती रहेगी तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे, क्लियर है? आगे मैं बात करूं मेरे दोस्त, आप देख पाए होंगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डुप्लीकेशन। इस इंडस्ट्री के अंदर में वही लोग कामयाब हैं और हिंदुस्तान एक ऐसी कल्चर है जहां पे क्या करते हैं, नकल करते हैं ना, और सबसे ज्यादा नकल करते हैं। तो नकल यहां पे भी करना है, यहां पे भी डुप्लीकेशन करना है। क्या लिखा हुआ, मंकी सी मंकी डू, यानी कि बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, जैसा बंदर देखता है वैसा ही बंदर करता है। बाप अगर सिगरेट पिएगा बच्चे के सामने तो बच्चा क्या करेगा, और अप्लाई अगर अपने टीम के साथ में सिगरेट पिएगा तो क्या करेगा, और
डाउनलाइन के सामने खैनी बना के खाओगे तो अपलाइन क्या कर, अपलाइन अगर खाएगा तो डाउनलाइन क्या करेगा सर? थोड़ा बढ़ा के पिछली बार ट्रेनिंग में हुआ क्या, एक सज्जन पुरुष पीछे बैठे हुए थे और जुगाड़ अपना बना रहे थे। कहां देख रहे हैं आप लोग, आगे देखिए। वो अपना जुगाड़ बना रहे थे उस सेमिनार के अंदर में, और जुगाड़ बनाते बनाते वो अंदर ही अंदर सब लोगों ने क्या किया, आपस में बढ़ा के सब बढ़ा के मतलब प्रसाद बढ़ भी गया, और प्रसाद बढ़ भी गया और बन के तैयार भी हो गया, और बन के तैयार भी हो गया और आपस में कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। और जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और जैसे ही सामने वाला प्रोडक्ट की प्लान चल रही थी, जैसे ही बोला कि सर इकलौता ऐसी प्रोडक्ट है हमारा ठंडे वाला, जो लोग 10 साल से 15 साल से बच्चे का सुख नहीं ले पाए हैं, इस प्रोडक्ट की वजह से उनकी समस्या खत्म हो गया और उनके परिवार के अंदर में आज बच्चे का सुख आ गया। जैसे ताली बजा भाई साहब करके ऐसे उठा के मुंह में डाल दिए और नजर पड़ गया और खड़ा किया गया तो डरते डरते खड़े हुए, और खड़े होने के बाद उनसे पूछा गया, जब स्टेज पे आए तो डरते हुए आए और आ तो गए, और पूछा गया कि सर आपने ऐसे क्या किया, तो बोले कुछ नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। तो बोले सर सिस्टम से गद्दारी करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। मोटिवेट किया गया, उनको डराया गया, तो उन्होंने बोला सर आप सही कर रहे हैं, हमने खैनी बनाया था और हमने बनाया, आपस में बांट भी लिया और खा भी लिया, सर आप हमें यहाँ पे बुलाए तो डर की वजह से मैं उसको निगल भी दिया। मतलब मेरे दोस्त इस हैबिट को क्या करना है, आपको छोड़ना पड़ेगा सिस्टम के अंदर में। अगर आप ट्रेनिंग के अंदर में आते हैं, मीटिंग के अंदर में आते हैं, ये सारा हैबिट आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपका डाउनलाइन भी आपको देख करके करेगा। यस या नो? अगर अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो आपका डाउनलाइन भी अच्छा प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करेगा। अगर आप अच्छा ड्रेस कोड पहनेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको देख करके क्या करेगा, कॉपी करेगा। अगर आप अच्छा हेयर स्टाइल रखेंगे तो आपका डाउनलाइन भी, अगर इतने बड़े पूंछ रखता होगा, चुनरी रखता होगा, तो क्या करेगा, आपके जैसा हेयर स्टाइल भी अच्छे से रखना शुरू करेगा। अगर आप टाई नहीं लगाते हैं, आपका अपलाइन टाई लगा करके आता है और आप देखते हैं कि मेरे सीनियर टाई लगाए हुए, और देख करके वो क्या करता है, अपलाइन को और डुप्लीकेशन करता है। यस या नो? यानी मंकी सी मंकी डू, इसका मतलब होता है कि बंदर के सामने जैसा आप करेंगे वैसा ही वो करेगा। एक बार तालाब के बीच में एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर में फल लगा हुआ था, फल के ऊपर में अमरूद के फल लगे हुए थे, तो वहां पे बहुत सारे बंदर उस पेड़ पे थे। तो एक व्यक्ति को खाने की इच्छा हुआ, तो अब तोड़ने जाए कैसे, डर के वजह से नहीं जा रहा था, तो बंदा प्रयास किया कि इसको ठेला उठा करके मारते हैं ताकि बंदर हट जाए और मैं जाके अमरूद तोड़ के लाऊं। तो जैसे ही वो पत्थर उठा करके मारता है और बंदर वही सेम देखता है कि ये हमें मार रहा है, तो वो क्या काम करता है, पत्थर तो पानी में चला गया लेकिन उसके सामने अमरूद दिखता है, उस अमरूद को तोड़ता है और फिर व्यक्ति को उसी अमरूद से मारना शुरू कर देता है। और इस तरीके से भाई साहब वो डुप्लीकेशन कर लेता है और उसके माध्यम से उसके पास अमरूद आ जाता है। तो जैसा आप करेंगे मेरे भाई वैसा ही आपका डाउनलाइन भी करेगा। समझ में आ गया? अपलाइन जैसा जैसा करेगा वैसा ही डाउनलाइन भी करेगा। जैसा मेरे पिताजी करेंगे तो पिताजी को देख करके हम भी तो वैसे ही करेंगे ना। यस या नो? तो मेरे भाई डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में अगर मैं बात करूं तो अपलाइन भी तीन कैटेगरी के पाए जाते हैं। इस धरती पे कितने कैटेगरी के अपलाइन पाए जाते हैं? तीन कैटेगरी का। पहला कैटेगरी कैसा होता है? नामधारी, खुजलीधारी। कैसा अपलाइन होता है? खुजलीधारी। वो क्या करता है, ना ट्रेनिंग में कभी आएगा
और ना ट्रेनिंग में आने देगा। वो क्या करेगा? बोलेगा 3600 रुपए लगेगा। सर 3600 रुपए बचा लोगे ना, तेल डला करके एक महीना लगातार बाइक में फील्ड में दौड़ देंगे ना, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आप उस बुद्धू आदमी को कौन समझाए कि बगैर ज्ञान का कैसे वो सक्सेस हो सकता है? हो सकता है क्या? तो ऐसे भी खुजलीधारी अपलाइन आपके बीच में आपको मिलेंगे। ऐसा अगर करता हुआ कोई मिलेगा तो समझ जाना कि आपका अपलाइन कैसा है, किस कैटेगरी का है। समझ गए? ना तो खुद करेगा कुछ और ना ही करने देगा। आज बैग उठा करके इस कंपनी में तो कल दूसरी कंपनी में, परसों तीसरी कंपनी में, नौसो पता चला चौथी कंपनी में। उनका काम ही होता है मेरे दोस्त, जो खुजलीधारी अपलाइन होते हैं, आज यहाँ पे कल वहां पे परसों वहां पे, इस तरीके से वो दर दर का ठोकरे खाते हुए नजर आते हैं। कौन? खुजलीधारी। क्लियर है? दूसरी कैटेगरी पाए जाते हैं कैसे? नामधारी। नामधारी अपने डाउनलाइन के साथ में काम करते हैं और कुछ टाइम काम करने के बाद अगर प्रमोशन होता है, कुछ भी होता है, उनके पास जाएंगे नहीं, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नहीं जाएंगे। वो दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा यहाँ पे तो बढ़िया काम चल रहा है, साहब देखिए ना अपना, मेरा यहाँ पे चल रहा है, मेरी ये टीम थोड़ी है, मैं यहाँ पे पूरी टाइम दूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा जाकर के, यहां से मेरा पैसा आता है ना, तो मैं यहां पे क्यों जाऊं? ऐसे लोग होते हैं नामधारी, ऐसे लोग होते हैं नामधारी। मेरे दोस्त, क्या यहां पे अगर बंदा जरूरत पड़ रहा है, आपको याद कर रहा है, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसकी आवश्यकता है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि बोनस का अगर 1.5 लाख आएगा तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। सफायर का 3,60,000 आएगा तो आप लेंगे ना कि अपने अप्लाई को दे देंगे? क्या करेंगे? लेंगे ना। जब आपको लेबर का भी पैसा चाहिए, बोनस का भी पैसा चाहिए, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ पे भी हेल्प करूं और यहाँ पे भी हेल्प करूं? बनता है ना। कभी भी मेरे दोस्त लेफ्ट और राइट ये मत समझ करके काम करना कि यहाँ पे ज्यादा मेरे काम हो रहा है, यहाँ पे मेरे डाउन काम हो रहा है, ये सोच करके काम मत करना। ये सोच करके काम करना यार, बच्चे तो हमारे ही हैं, एक ही जैसा प्यार देना। अगर अपने पास दो बेटा है तो ऐसा नहीं होता है कि इसको एक नजरिए से पॉजिटिव नजरिए से देखे, इसको गलत नजरिए से देखे, ऐसा होता है क्या? तो अगर ऐसा देखेंगे तो रिश्ता में क्या आएगा? दरार आएगा। और ऐसे करने के बाद रिश्ता वहां से बनने के बजाय खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना मेरे दोस्त। क्लियर है? करेंगे तो नहीं? और ऐसे ही लोग होते हैं जिनका कैटेगरी होता है नामधारी। समझ में आया? तो ऐसे लोगों से बच के रहना भाई, ठीक है? और ऐसे अगर कैटेगरी के लोग हैं तो हेल्प करो यार, लोगों की जरूरत है, आपकी टीम है, आज यहाँ पे फास्ट भाग रहा है, आज यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तो रोना नहीं रोना होता है। धंधा कभी भी उठ सकता है, कभी भी एक्का आ सकता है। समझ में आया? कभी भी बेकार में आपका छलांग लग सकता है। तो खुजलीधारी नामधारी समझ में आ गया? एक होता है क्या? कामधारी। कामधारी कैसा अप्लाइन होता है? सिर्फ काम की बात करता है, सिर्फ काम की बात करता है, आपके पास फोन करता है, आपसे बिजनेस की रिपोर्टिंग मांगता है, आपसे सुबह और शाम की बात करता है कि सर आपका क्या प्लानिंग है कल का, सर आपका इस हफ्ते क्या चेक बनेगा, सर आपके टीम से कितने प्रमोशन निकल के आएगा, यस या नो? अच्छा ये बात पूछना चाहिए कि ये बात पूछना चाहिए कि सर आपने खाना खाया, सर आप कैसे हैं, सर आप कहाँ हैं, सर आप सो गए हैं, सर आप जाग गए, ये पूछना चाहिए नहीं ना? सिर्फ बात होना चाहिए किस चीज का? बिजनेस की बात होना चाहिए दोस्त। इस इंडस्ट्री के अंदर में आपका रिलेशन होना चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। सिर्फ सक्सेस पाना है तो व्यापार में सिर्फ बिजनेस के तरीके से ही आप काम कीजिएगा, जैसा आपका सिस्टम बोलता है आप सक्सेस होंगे ही होंगे। क्लियर है? तो समझ में आया? 3 कैटेगरी कौन सा? खुजलीधारी, नामधारी और कामधारी। क्लियर हो गए ना? बहुत सारे यहाँ पे लोग आए होंगे
बोले उनके सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं? सर रहन दीजिए, बाद में जाएंगे। जो खुजलीधारी होगा, नामधारी होगा, क्या बोलेगा? कोई बात नहीं सर, अगली बार होगा, देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जो कामधारी होगा ना मेरे दोस्त, जो कामधारी होगा, अगर उस बंदे को मिल गया तो कभी नहीं बोलेगा कि बाद में देखना, वो बोलेगा, आपको मोटिवेट करेगा, मेरे दोस्त पैसा तो मेरे अपलाइन के पास भी नहीं था, 5,000 रुपए की महीने का रेंट पे लेकर के रूम रहा करते थे मिस्टर विनोद सोनी सर, और उनको भी बिजनेस के अंदर में सीखने का मौका मिला, तो खर्च लेकर के इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने थे और सीखने पे ध्यान दिया था। आज यही कारण है कि आज इस इंडस्ट्री के अंदर में 3 करोड़ पे इनकम कर चुके हैं और मर्सिडीज जीएलसी कार से चलते हैं। दोस्त मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप कर्ज लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि आपके भी सपने हैं, आपके भी आपने चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर लेने की जरूरत पड़े तो जरूर लीजिए मेरे दोस्त, लेने की जरूरत पड़े तो जरूर लीजिए, अगर आपके पास सोच और सपने हैं तो। वो राय देता है, वही आपका तकलीफ में भी जो और तकलीफ दे करके निकालने का काम करे, वही सच्चा और अच्छा आपका अपलाइन है, बाकी तो सब बकवास है। नीम का पत्ता क्या होता है? कड़वा होता है ना, फायदा करता है नुकसान करता है? फायदा करता है ना। अपलाइन की बातें भी उस टाइम में बहुत कड़वी लगेंगी, बहुत आपको तकलीफ दे होगा कि सर तो पैसा नहीं है पॉकेट में, इतना परेशान करके रख देते हैं कि सेमिनार है, ट्रेनिंग है, हर जगह पे ट्रेनिंग में पैसा, सेमिनार में पैसा, प्लान करने जाना है तब भी खर्चा, यानी कि हर जगह पे सर पैसे पैसे पैसे। आज जरा सोच के देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बच्चे को पढ़ाने के दौरान में, पैसा लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना। तो मेरे भाई उसके आने जाने में भी पैसा लगेगा, उसके पढ़ाने में भी पैसा लगेगा, एक वक्त ऐसा आएगा वही बच्चा बड़ा होकर के दौलत कमाएगा तो उस बाप को ही पूर्ति करता नजर आएगा, लेकिन खर्च तो करेगा ना। तो आपको भी मेरे भाई, आप सोच लेना, जिस टाइम में आपका अप्लाई के बाद कड़वी लगने लगे ना, तो समझ जाना, सैल्यूट करना, धन्यवाद गुरु जी आप मेरे लिए ही बोल रहे हो। अगर आपका रिश्ता, आप मना कर दो कि सर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, उस दिन के बाद आपके पास फोन जाए तो मेरे को बताना, कोई फोन नहीं करने वाला है, लेकिन आपका उनके साथ में रिश्ता है, संबंध है, वो चाहता है कि आप भी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हो तो आप भी ब्रांड मैनेजर बनो, इसलिए आपको तकलीफ देकर के उस गंदगी के नाली से निकालना चाहता है और आपको सफल बनाना चाहता है, इसलिए आपको आज तकलीफ देता है, इसलिए आपको तकलीफ देता है और आपको बुरा लगता है। मेरे को भी बुरा लगा था, मैं भी मंडी के अंदर में काम किया करता था, तो जब ट्रेनिंग की बात आती थी तो ट्रेनिंग के लिए दिक्कतें होती थी कि सर मैं व्यवसाय को कैसे छोड़ के जाऊं। मेरे सर ने बोला एक ही बात कि विपिन 4 साल पुरानी कंपनी में काम किया, सक्सेस नहीं मिला, अपनी मर्जी का काम किया, लेकिन आज मौका मिला हुआ है, अगर सिस्टम बोलता है कामयाब होना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने अंदर, और मैंने गुरु जी की बातों को माना, फॉलो किया, मैंने भी पैसे कहीं से मैनेज करके ट्रेनिंग का हिस्सा बना, और आज यही कारण है कि मैं दोस्त आज सफायर बन के आपके बीच में हूँ। तो आज के बाद अगर आपकी टीम भी अगर समस्या दिखाएगी तो समस्या का समाधान आप दिखाने का काम करेंगे, यस या नो? करेंगे। अगर वो समस्या देखो, कर बच्चा तो समस्या दिखाता ही है, बच्चा तो समस्या दिखाता ही है, बीमार है तो भैया वो तो इंजेक्शन लगाने के लिए लेकर के जाओगे तो रोएगा, लात मारेगा, लेकिन पकड़ करके जबरी अगर आप उसको इंजेक्शन लगवा देते हैं तो वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है और वही आपका सहारा बनता है। यस या नो? तो अपलाइन की प्रजातियां इस धरती पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार। जब अपलाइन की प्रजातियां 3 प्रकार की पाई जाती है तो मेरे भाई 3 प्रकार की डाउनलाइन की भी प्रजातियां पाई जाती है। वो क्या क्या? पहली कैटेगरी होते हैं लोटाधारी। पहली कैटेगरी होती है क्या? लोटाधारी। कैसे डाउनलाइन होते हैं? लोटाधारी। आप बोलोगे ऐसे जाओ तो बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे जाएंगे। आप बोलोगे इधर जाओ,
नहीं सर हम इधर जाएंगे। आप बोलोगे गेस्ट को इनवाइट करो तो बोलेगा नहीं सर गेस्ट नहीं आता है आपको चलना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर मीटिंग में आइए नहीं सर हम मीटिंग में नहीं आएंगे आप आके सिखा दीजिए। तो ऐसे लोग क्या होंगे लोटाधारी आज यहाँ है कल वहां है मतलब किधर भी धक्का मारते रहो लुढ़कते रहेंगे। यस या नो। दूसरा होता है कैसा कैलकुलेटिव धारी कैलकुलेशन लगाएगा अपलाइन बोलेगा सीनियर बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा अमित जी एक काम करो दोस्त अभी महेश जी जो है ट्रेनिंग के लिए मैं भेज रहा हूं और यहां पे आप जो है 100 SP का पैसा रखा हुआ है मेरे दोस्त आप जाकर के वहां से 100 SP का पैसा कलेक्शन लेकर के उनका प्रोडक्ट निकलवा दीजिए और पहुंचवा दीजिए उनको सर्विस दे दीजिए और जाइए बाइक लेकर के राजू जी को लेकर के चले जाइए। तो अमित सर जाने वाले थे तो अमित सर को काम मिल गया उनके अप्लाई ने दे दिया। तो अमित सर अगर अच्छे लीडर की पहचान देखा जाए तो अप्लाई की बातों को माना और अप्लाई की बातों को फॉलो करके वो काम किया। यस या नो। अब अप्लाई की बातों को फॉलो किया तो अप्लाई ही किसके पास फोन किया दूसरे व्यक्ति के पास में फोन करता है कि राजू जी आप जाकर के इनका क्लोजिंग ले लीजिए फॉलो कर लीजिए और आप वहां से 100 SP का पैसा कलेक्ट कर लीजिए। तो उस कंडीशन में वह डाउनलाइन कैसा बिहेव करता है अच्छा 100 किलोमीटर जाना है सौ किलोमीटर जाएंगे तो मतलब 150-200 रुपए का तेल खर्च हो जाएगा 200 रुपए का खर्च और टीम को लेकर के जा रहा हूं उसको भी खिलाना पड़ेगा अगर मैं खाऊंगा तो एक काम करते हैं फोन करता हूं हरि सर को हरि सर नमस्कार गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए कुछ नहीं गुरुजी यहां पे चलना था 100 SP का पैसा आया है गुरुजी को कॉल आया था अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो मजा आ जाता है। इनको मोटिवेट करते हैं मोटिवेट करके क्या करते हैं बुलाते हैं और बुला करके बाइक पे बैठते हैं वो और जिनका सेल आने वाला था उनको बैठाते हैं और चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि सीनियर की प्लानिंग थी कि हरि सर को कहीं भेजने वाले थे जैसे ही फोन आता है तो उनको पता चलता है कि सर को लेकर के बंदा क्लोजिंग के लिए गया लेकिन कैलकुलेटिव लगा करके वो क्या कर दिया उसको मौका मिला था उसको खड़ा होने के लिए उसको सीखने के लिए समझने के लिए वो जाता फील्ड के अंदर में 100 SP की क्लोजिंग लेता तो उसके अंदर में और इंप्रेशन आता मोटिवेशन आता यस या नो उसके अंदर में और जोश आता कि यार मैंने 100 SP का क्लोजिंग गुरुजी ने भेजा और मैंने निकाल भी दिया यस या नो। और शायद ये सोच लेकर के आपको भेज रहे थे लेकिन आपने क्या कर दिया कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दिया और कैलकुलेशन 200 रुपए का तेल खर्चा 100 रुपए का नाश्ता यानी कि कुल मिलाकर के 300 रुपए खर्चा हो जाएगा। तो आपने क्या किया सीनियर को बुला लिया। तो ऐसे कंडीशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जाना है ससुराल जाना है साली जी का बर्थडे है फोन करते हैं गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए एक प्लान मैंने फिक्स किया है बस वहां पे आप चलना है 4-5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आपको चलना है बस प्लान देना है धड़ाधड़ से निकलेगी आप कार लेकर के आ जाइए। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं गुरुजी कार लेकर के वैसे ही वो निकलते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी मैडम उसके पीछे पीछे चुन्नू मुन्नू और कार के अंदर में बैठते हैं बोलते हैं कि सर चलिए और जाते हैं ससुराल के अंदर में और ससुराल के अंदर में जाने के बाद बोलते हैं गुरुजी हमें पता नहीं था कि बर्थडे था नहीं तो आता ही नहीं। एक काम कीजिए गुरुजी आप तो देख ही रहे हैं लोग इतना बिजी है कैसे प्लान करूं जिसको प्लान देने वाला था उसी का बर्थडे है
वो तो काम में बिजी है, कैसे मैं करूं? तो कैलकुलेशन लगा करके, ऐसे लोग भी होते हैं जो कैलकुलेटिव धारी होते हैं, अपलाइन को यूज करते हैं। एक बार दो बार अपलाइन देखेगा, उसके बाद तीसरी बार क्या करेगा? साइड। यस या नो? तो कैलकुलेटिव धारी से भी बच के रहना, बचेंगे। तीसरी कैटेगरी पाई जाती है क्या? गुरु भक्त डाउनलाइन। गुरु भक्त डाउनलाइन एक ऐसी डाउनलाइन जो सर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो भी आप बोल दो सो ब्रह्मा का लकीर, आपने बोला है उसको करके ही वो आता है, उसको करके ही आता है। जो सीनियर ने बोला उसको कर दिया, जो सीनियर ने बोला पास प्लान करना है, जी गुरु जी, जाता है वो छह प्लान करके आ जाता है। सीनियर ने बोला 200 एसपी की क्लोजिंग करनी है, जी गुरु जी, जाता है 300-400 एसपी की क्लोजिंग कर देता है। सीनियर ने बोला इस हफ्ते आपको 5 लोगों को ब्रांच बनाना है, जी गुरु जी, वो जाता है 6-7 लोगों का बैठाता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसके आईडी चेक करता है, ट्रेनिंग करता है, उसको काम पे लगाता है और 7-8 लोगों का ब्रांच बना देता है। वो होता है गुरु भक्त लीडर, वो होता है गुरु भक्त डाउनलाइन, जो अपलाइन की बातों को किंतु परंतु नहीं लगाता है कि सर आप आ जाते ना तो बात कुछ और होती। यस या नो? वो आपको आपका अपलाइन भेज रहा है, इसलिए भेज रहा है कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको भी सीखने और समझने का मौका मिलेगा, और आप मार्केट के अंदर में जाएंगे जब सीखने समझने का मौका मिलेगा तो आपका डाउनलाइन भी वही देख करके जस्ट कॉपी करता जाएगा, इसलिए आपको आपका अपलाइन भेजता है। क्लियर है? हनुमान जी को देखे हो ना? देखे हो? मंदिर देखे होंगे, है ना? आज हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है, मिलता है ना? और अर्जुन जी का नहीं मिलता। क्यों? अर्जुन जी क्या करते थे? चलाओ बाण अर्जुन, तो क्या करते थे? नहीं, ये मेरे मामा है, ये मेरी रिश्तेदार है, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं? यस या नो? यानी कि सबसे ज्यादा किंतु परंतु किया करते थे, वो अपना इनके बातों को कटाक्ष क्वेश्चन करते थे। ओ, और यही कारण है कि आज उनको कोई नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा भी भक्त था जो आज उसकी गली नुक्कड़ चौराहे पे भी मंदिर पाई जाती है, उसका नाम है हनुमान। आज हर एक नुक्कड़ चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त राम का वो असला पक्का भक्त था, जो भी राम बोलते थे वो किंतु परंतु नहीं लगाते थे, सिर्फ बात को निकलते ही बोलते थे जय श्री राम। क्या बोलते थे? जय श्री राम। हनुमान जी आपको लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जड़ी बूटी लेकर के आना है हिमालय से, और हिमालय के पास जाने के लिए 7 समुंदर पार करके जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? चले गए, गए थे ना, चले गए। और जाने के बाद वो जब पहचान नहीं पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? पूरी पर्वत को ही उठा करके लेकर के आ गए। आप जरा सोच के देखिए, ऐसे भक्त लीडर की ही जय जयकार होती है, ऐसे भक्त लीडर ही कम समय के अंदर में सक्सेस पाते हैं, ऐसे गुरु भक्त लीडर ही कामयाब होते हैं और प्राण हमेशा पक्ष की सफल होती है। समझ में आ गया? तो डुप्लीकेशन करेंगे, अपलाइन की बातों को फॉलो करेंगे, सिस्टम पे काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कॉपी करना शुरू कर दिया, आपने सब बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आगे क्या करना पड़ेगा?